सोनाली बिल्डर्स विथ मटेरियल वर्क। अगर आप अपने सपनों का घर उचित दाम में बनवाना चाहते हैं तो संपर्क करें। विकास झा, मोबाइल नंबर है 8770089448। एलिवेशन डिजाइन विथ वास्तु, कामधेनु सरिया, बिरला उत्तम सीमेंट, डिजिटल टाइल्स, हैवेल्स इलेक्ट्रिक मटेरियल, फिनोलेक्स पाइप, 12W 3W लाइट, ऑफिस हनुमान कॉलोनी गुना, MD तरुण जैन, मोबाइल नंबर 9893057151। विकास झा बी सिविल, मोबाइल नंबर 8770089448। गुना में ट्रेनी एयरक्राफ्ट हुआ क्रैश, ट्रेनिंग महिला पायलट घायल, इंजन में खराबी होने से हादसा हुआ है। ट्रेनी विमान ने सागर के लिए उड़ान भरी थी। प्राथमिक जानकारी में इंजन में खराबी आने के बाद ट्रेनी महिला पायलट ने गुना एरोड्रम पर विमान उतारने की परमिशन मांगी। इस बीच रनवे पर उतरते समय विमान तालाब किनारे झाड़ियों में जा गिरा। सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच एयरक्राफ्ट उड़ा रही महिला ट्रेनी पायलट नैन्सी मिश्रा घायल हुई है, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विमान में ट्रेनी पायलट के अलावा किसी और के सवार होने की जानकारी सामने नहीं आई है। कैंट थाना गुना की SI चंचल तिवारी ने बताया कि निमच से ट्रेनी विमान सागर जा रहा था, विमान में कुछ खराबी आ गई थी, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, इसी दौरान हादसा हो गया। क्या मामला? यहाँ से सूचना आई थी थाने पर कि एक ट्रेनी पायलट थी जो निमच से उड़ के थाना जा रही थी, तो अनकंट्रोल होकर प्लेन क्रैश हो गया है। अभी उसको थोड़ी चोट है तो वो हॉस्पिटलाइज की गई है। सिंधिया को देख पैरों में गिरा किसान, ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों को लेकर किसान दुखी और चिंतित है। इसका नजारा बुधवार को भी देखने मिला, जब एक किसान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को खेतों में देखकर उनके पैरों में गिर गया। सिंधिया ने पैरों में गिरे किसान को तुरंत उठाया और अपने सीने से लगा लिया और किसान को हर संभव मदद और उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया। दरअसल बुधवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कलेक्टर SP सहित पूरे प्रशासनिक अमले को लेकर ओला प्रभावित क्षेत्रों के नुकसान का जायजा लेने पहुंचे थे। सिंधिया बैठागांव के किसानों के फसलों का नुकसान का जायजा लेने खेतों पर पहुंचे थे। इसी दौरान ये किसान उनके पैरों में गिर गया। इस दौरान कई महिला किसान भी श्री सिंधिया के सामने फूट फूट कर रोने लगी, जिन्हें सिंधिया ने ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया को खराब हुई फसलों के मुआवजे संबंधी स्वीकृति पत्र भी मौके पर सौंपे। उड़ान योजना के तहत 45 करोड़ से होगा हवाई अड्डों का निर्माण। सिंधिया केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज गुना और शिवपुरी जिलों को एक और बड़ी सौगात देते हुए बताया कि दोनों जिलों में जल्द ही हवाई अड्डों का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के तहत शिवपुरी और गुना जिले में 45 करोड़ की लागत से हवाई अड्डों का निर्माण कार्य कराया जाएगा। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नखराली ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुना आगमन पर आज उन्होंने गुना लोकसभा क्षेत्र को विशेष सौगात दी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने विहटा घाट में पत्रकार वार्ता ली। यहां उन्होंने कहा कि नागर विमानन मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है कि जल्दी गुना और शिवपुरी जिले में नवीन हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। श्री सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर और जबलपुर में भी उन्होंने नवीन हवाई अड्डों का निर्माण किया है, जिसका 10 मार्च को उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर सभी लोगों से उपस्थिति की आग्रह किया है। लेकिन आज मंत्रालय के द्वारा स्वीकृति दी गई है कि उड़ान योजना के अंतर्गत गुना का हवाई अड्डा और शिवपुरी का हवाई अड्डा, दोनों हवाई अड्डों के लिए, उनके आधुनिकीकरण के लिए, उनके विस्तारीकरण के लिए, उनकी जीर्णोद्धार के लिए अलग अलग 45 करोड़ रुपए का आवंटन, प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है कि उड़े देश का आम नागरिक, उस योजना के तहत नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा स्वीकृति दी गई।
45 करोड़ गुना के लिए अलग, 45 करोड़ शिवपुरी के अलग। और इसी सोच के साथ उड़ान योजना में भी दोनों शहरों को और दोनों हवाई अड्डों को शामिल किया गया है। शिवपुरी से भोपाल के लिए एक रूट, आने वाले दिनों में भी एक नई एयरलाइन 19 सीटर की एयरलाइन को हम लोग स्वीकृत करने जा रहे हैं। यही आशा है कि जल्द से जल्द वो एयरलाइन कंपनी अपना विमान खरीद पाए और जल्द से जल्द उसका क्रियान्वयन भी इस अधोसंरचना के कार्य के बाद शुरू हो पाए। तो ये खुशखबरी भी आपके द्वारा गुना, शिवपुरी, अशोकनगर तीनों जिलों की जनता को आपके समक्ष में देना चाहूँगा। सभी विधायकों को, सभी जिलाध्यक्षों को, सभी जनता को कि शीघ्र ही शीघ्र हमारा गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र भी, जो मेरे पूज्य पिताजी के समय में नागर विमानन क्षेत्र के मानचित्र पर राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित था, दोबारा स्थापित होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप वर्धमान परिवार ने बुलाई प्रेसवार्ता आचार्य श्री को समर्पित जेपीएल 2024 खेल स्पर्धा के साथ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणादायक भव्य आर्ट गैलरी का होगा शुभारंभ। विगत बुधवार को दिगंबर जैन सोशल ग्रुप वर्धमान द्वारा एक प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप वर्धमान द्वारा प्रतिवर्ष खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। जीपीएल खेल स्पर्धा 2024 की चेयरमैन डॉक्टर गौरव जैन ने बताया कि 2024 का कार्यक्रम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में समर्पित कर आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम गुना कलेक्टर अमन सिंह बेस्ट के मुख्य अतिथि में संपन्न होगा, लेकिन इस बार आचार्य श्री की स्मृति में उनके जीवन की प्रेरणा गौरव गाथा हम सबको सदैव प्रेरणा देती रहे, इस भावना के साथ दिगंबर जैन सोशल ग्रुप वर्धमान परिवार द्वारा परम पूज्य आचार्य जी के सभी प्रकल्पों को चिरस्थायी स्मृति के रूप में एक भव्य आर्ट गैलरी संजोया जाएगा, जो सभी के लिए प्रेरणादायक व देखने लायक प्रदर्शनी होगी। कार्यक्रम में दिगंबर जैन सोशल ग्रुप वर्धमान के अध्यक्ष रविंद्र जैन, कैंची बीड़ी सचिव विक्की जैन, कोषाध्यक्ष आकाश जैन, पूनम चंद पाटनी, अमित जैन, विशाल जैन, राहुल जैन, राजीव जैन रस्सी, गगन गोयल, नीरज जैन सहित ग्रुप के सभी सदस्य उपस्थित रहे। ये संजय भार्गव जी कृषि फार्म हाउस जो न्यू टेकरी रोड पे है, अभी निकट समय में ही इंटर क्लब टूर्नामेंट जो गुना शहर में हुआ था, आशीर्वाद हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे जाते हैं न्यू टेकरी रोड पे संजय भार्गव जी का कृषि फार्म हाउस है। ये रात्रि कालीन में ये सारी स्पर्धा होगी और शाम को 7 बजे से रात के 11 बजे तक इस चाकी का आयोजन लोगों के लिए ओपन रहेगा। जी भाई साहब, टूर्नामेंट कराया जा रहा है यहाँ, मतलब लोकल का ही रहेगा या अदर सभी डिस्ट्रिक्ट वगैरह का? ये इन हाउस टूर्नामेंट होता है। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप में 88 मेंबर है लगभग, अभी वही 88 मेंबर आपस में खेलते हैं और पुरुष और महिला वर्ग दोनों का कुछ गतिविधियों का आयोजन होता है। कई सारे खेलों का आयोजन होगा पुरुष का और महिलाओं का, ये सब रात्रिकालीन ही रहेगा और प्रदर्शनी का समय भी रात को 7 बजे से 11 बजे तक रहेगा। इसमें क्या क्या खेल का आयोजन रहेगा? इस खेल में क्रिकेट रहता है मेनली, पुरुष और महिलाओं का क्रिकेट होता है। इसके बाद इसमें थ्रो बॉल, सितौलिया और एक तापू करके एक पुराने जमाने में आप लोगों ने सुना हो कि वो लेडीज लंगड़ी का एक खेल होता था कि वो डाइस देख के लंगड़ी खेलते, उस तरह के खेल भी हैं। कुछ ट्रैक एंड फील्ड गेम भी है, रोडीज टाइप के कुछ गेम है जो इसमें आयोजन होगा। आपकी प्रदर्शनी के लिए कोई चीफ गेस्ट रहेंगे? हम लोगों ने काफी सारे लोगों को इनविटेशन दिया है, जैसे कि आदरणीय कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को और विधायक जी हमारे गुना शहर के, जिला अध्यक्ष जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी और भी कई सारी गणमान्य हस्तियों को हम लोगों ने इन्विटेशन दिया है और सब लोगों ने आश्वासन दिया है कि आने का पूरा प्रयास करेंगे। कुछ उनकी व्यस्तताओं के कारण कल सुबह तक हम लोगों का सब लोगों के शेड्यूल फाइनल हो जाएंगे कि कौन कौन हमारे यहाँ ओपनिंग में आ रहा है। ये कब से चलेगा और कब तक चलेगा? ये हमारा 7 तारीख को शुरू होगा और जिस दिन होली जलाने का वो एक वो होता है 24 तारीख को इसका हमारा समापन रहेगा। ये प्रदर्शनी की आप कह रहे हैं, इसमें कुछ कैसा क्या खास रहेगा क्या? इसमें आचार्य श्री, मैं जैन समाज तो ठीक है, गैर समाज के जो लोग जो आचार्य श्री के जीवन के बारे में इतना नहीं जानते, जो मैं ये दावा करता हूँ जो भी व्यक्ति उस आर्ट गैलरी में अंदर जाएगा
15 मिनट आधा घंटा जितना भी समय वो लगाएगा, मेरा दावा है कि वो आचार्य श्री को पूरा जानने के बाद बाहर आएगा। आचार्य श्री का जन्म से लेके समाधि तक जो उनकी जीवनचर्या थी, क्या उनकी विशेषताएं थी, उनके क्या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इंडिया में चल रहे हैं, उनका एक स्लोगन इंडिया नहीं भारत बोलिए, और हथकरघा पूर्णायु प्रतिभा स्थली गौशाला जैसे उनके बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन सबका चित्रण आपको वहां पर मिलेगा और आचार्य श्री का पूरा जीवन दर्शन करने का आपको लाभ मिलेगा इसमें। गुना में सिंधिया से लिपटकर रोई किसान महिला, केंद्रीय मंत्री बोली चिंता मत करो मैं मुआवजा दिलाऊंगा, सर्वे करा दिया है। गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से महिला किसान लिपटकर रोने लगी। सिंधिया के बेहटा घाट ओला प्रभावित फसल का जायजा लेने गए थे। महिलाओं के रोने पर मंत्री ने कहा, ढांढस रखिए, चिंता मत करो मैं मुआवजा दिलवाऊंगा, मैंने सर्वे करा दिया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया बुधवार को गुना से अशोकनगर फिर शिवपुरी जाएंगे। वे स्थानीय प्रशासन को साथ लेकर खेतों में हुए नुकसान का आकलन करा रही हैं। कुछ किसानों को उन्होंने मौके पर ही मदद मुहैया कराई है। मैं दिलवाऊंगा, चिंता मत करो, चिंता मत करो, ढांढस बनाए रखो, बिल्कुल ठीक है, मैंने सर्वे भी करा दिया, बिल्कुल चिंता मत करो अम्मा, चलो ऐसा मत करो, मैं आ गया हूँ, तुम चिंता मत करो ना, चलो चलो चलो, बिल्कुल आप चिंता मत करो, बिल्कुल मैं आ गया हूँ, चिंता मत करो, आपके परिवार के सदस्य आपकी चिंता कर रहे हैं। पांचवी और आठवीं की बोर्ड परीक्षा शुरू, आज से कक्षा पांचवी और आठवीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई। जिले में पांचवी में 23,239 और आठवीं में 24,536 परीक्षार्थी शामिल हो गए। आज बुधवार सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक पहले पेपर की परीक्षा संपन्न हुई। जिले में बोर्ड परीक्षाओं के 187 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षाओं के लिए ब्लॉक व जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए ताकि किसी तरह की समस्या पर सूचना देकर समाधान किया जा सके। राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ द्वारा कुंभराज में धरना प्रदर्शन। राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ द्वारा कुंभराज के गांधी चौराहे पर धरना प्रदर्शन आज किया गया। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि पूर्व समय से कर्मचारियों के समस्या को लेकर कई बार आवेदन निवेदन किए गए, लेकिन नगर पंचायत प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं होने के कारण हम समय सीमा पूर्ण होने पर 1 मार्च 2024 से काम बंद हड़ताल शुरू हो गई है। अब हम दिनांक 6 मार्च 2024 से गांधी चौराहे पर शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 24 घंटे में हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम 7 मार्च 2024 से भूख हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी कुंभराज नगर पंचायत प्रशासन की होगी। हमारा धरना प्रदर्शन तो आज रखा गया है, लेकिन हम हमारे सभी सफाई कर्मचारी 1 तारीख से सफाई काम बंद कर बैठे हुए हैं और 1 महीना से आवेदन निवेदन कर रहे हैं। कलेक्टर साहब को भी हमने आवेदन दिया है, सीओ साहब को दिया है, विधायक साहब को दिया है, मुख्यमंत्री के नाम पर भी हमने भेजा है, लगभग सब जगह हमने भेजा है, लेकिन एक महीने के बाद भी हमारी कोई मांगे पूरी नहीं हुई, मजबूरी में मांगे हमें हड़ताल पर भेजना। क्या मांगे आपकी? हमारी 13 सूत्री मांगे है। 13 सूत्री है, कौन कौन सी है? कौन कौन सी मांगे 13 में से, नाम बताइए। विनियमितकरण है हमारा, अनुकंपा नुक्ति है हमारी, नए कर्मचारी की भर्ती है, जो तकरीबन 3-4 साल से अभी तक यहाँ पर कोई भर्ती नहीं हुई है। बेरोजगारी से हमारे नए युवा परेशान हैं, वेतन भी समय पर नहीं मिलता, 20-20 तारीख हो जाती है वेतन में, शासकीय रेट नहीं लगती। तो आपकी जो 13 सूत्र मांगे, अगर मांगे नहीं होती है तो क्या करेंगे आगे? मांगे यदि पूरी नहीं होती है तो सब इसी तरह बैठे रहेंगे आज से, है ना? कल से आज क्या है? धरना प्रदर्शन आज, धरना प्रदर्शन कल से भूख हड़ताल पर बैठेंगे अगर आपकी मांगे नहीं हुई तो। जी, कौन से तहसील है ये? कुमराज तहसील को हमारा। आपका नाम? सफाई मजदूर संघ। आपका नाम? मेरा नाम नीरज मालवीय, राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ का तहसील अध्यक्ष। नए कैंपस में विश्वविद्यालय खोलने की बजाय गुना महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में तब्दील करने के निर्णय से पूरी नहीं हो पाई कि विश्वविद्यालय को बनाने की अवधारणा AIDSO ने केंद्रीय मंत्री को सौंपा ज्ञापन। आज AIDSO द्वारा केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें गुना महाविद्यालय को यथावत रखते हुए दूसरे स्थान पर उचित व्यवस्थाओं के साथ विश्वविद्यालय का निर्माण कराने की मांग की गई।
AIDSO का निर्माण करने की मांग की गई। AIDSO के जिला अध्यक्ष सुनील सैन ने बताया कि छात्र आंदोलन के चलते पुराकुना शहर में विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय चर्चा का विषय बना हुआ है। नागरिकगण, शिक्षक व छात्र सभी असमंजस में हैं कि एक महाविद्यालय कैसे विश्वविद्यालय की जरूरी अवधारणा को पूरा कर पाएगा। उन्होंने बताया कि AIDSO महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में तब्दील करने के बजाय अलग से विश्वविद्यालय खोलने की मांग कर रहा है। उसका कारण है कि पहले से ही मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जूझ रहा गुना महाविद्यालय वैश्विक ज्ञान की अवधारणा पर आधारित विश्वविद्यालय के स्टैंडर्ड व मानकों को पूरा नहीं कर सकता। दूसरा, विश्वविद्यालय में सीट संख्या नियंत्रण पद्धति लागू होने व प्रवेश परीक्षा में पास होने के बाद ही छात्रों को प्रवेश देने की प्रक्रिया के चलते हजारों की संख्या में प्रवेश लेने वाले छात्र प्रवेश लेने से वंचित हो जाएंगे। तीसरा, गुना महाविद्यालय जिससे 20,000 की संख्या में छात्र पढ़ाई कर रही है, विश्वविद्यालय बनने के बाद 3,000 से 4,000 के छात्र पढ़ सकेंगे, बाकी छात्रों को गुना महाविद्यालय छोड़ने के लिए बाध्य किया जाएगा। फलस्वरूप हजारों छात्रों के लिए गुना महाविद्यालय के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। एक बात और हम बताना चाहते हैं कि नई शिक्षा नीति 2022 में शिक्षा के निजीकरण, व्यापारीकरण, व्यावसायिकरण को बढ़ावा देने की मंशा को ही सरकार पूरा करने का काम कर रही है। हम मांग कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए नए कैंपस में विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाए और गुना महाविद्यालय को यथावत रखते हुए उसे सुविधा संपन्न बनाया जाए। छात्रों की मांगों को अगर सरकार द्वारा नहीं माना जाता है तो छात्र तेज आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जी मैडम, आप बताएं जो अभी ज्ञापन दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। जी, आज हम लोगों ने AIDSO की तरफ से केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में हम लोगों ने मांग की है कि जो सरकार का फरमान है पीजी कॉलेज को खत्म करके वो इसको यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है, तो हम लोग इसके खिलाफ में आंदोलन चला रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को अलग कैंपस में बनाया जाए, पीजी कॉलेज को यथावत रखा जाए, क्योंकि एक कॉलेज एक विश्वविद्यालय का जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल नहीं कर सकता। ये सिर्फ औपचारिकता होगी और विश्वविद्यालय को स्टैंडर्ड गिराना ही एक माना जा रहा है। साथ में इतने सारे छात्र जो पढ़ रहे हैं 20,000, वो कहाँ जाएंगे? तो इन सवालों के साथ में हम लोगों ने आज एक ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन मिला आपको? जी, उन्होंने जो हम लोगों से बातचीत की है कि उन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। उन्हें इस ढंग से जो बातचीत वो बोल रहे हैं कि हम लोग यूनिवर्सिटी क्यों इसको नहीं बनाए, इसको लेकर के आप समझाओ हमें, जब समझ में आएगा तो हम लोग उस पर कुछ चर्चा बातचीत करेंगे, तो ये उन्होंने अभी बोला है। गुना के इमझरा गांव में भी सिंधिया ने फसल को देखा। यहाँ उन्होंने कहा, गुना, ग्वालियर, मालवा और भोपाल संभाग के किसानों को दुख की घड़ी से गुजरना पड़ रहा है। सिंधिया परिवार मानता है कि पृथ्वी माता को पूजने वाला अगर कोई वर्ग या श्रेणी है तो वो हमारे अन्नदाता है। अन्नदाताओं को मजबूत करना सिंधिया परिवार की केवल जिम्मेदारी नहीं, धर्म भी है। उन्होंने कहा, सुख में आऊं ना आऊं लेकिन दुख में सिंधिया परिवार का मुखिया होने के नाते हम जरूर आते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी किसान हैं, उनसे मेरी फोन पर चर्चा हुई। गारंटी देता हूं कि पूरा मध्य प्रदेश प्रशासन इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसानों को उनकी फसलों के नुकसान संबंधित मुआवजे के स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक दर्जन से अधिक गांवों का भ्रमण किया। और ये हमारा धर्म बनता है। अभी पन्नालाल जी जरूर कह रहे थे मेरी व्यक्तिगत, और मेरी व्यक्तिगत क्या, आपकी कठिनाई मेरी कठिनाई, मेरी कठिनाई हमारी कठिनाई, और इसलिए ये सामूहिक भावना हमारे बीच में, ये सही है कि राजमाता साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन आपकी भी तो तबीयत ठीक नहीं है। मेरे लिए जहां मेरी मौत, वहीं मेरे लिए मेरा पिता, मेरा भाई, मेरी बहन यहां भी है। और इसलिए पिछले 2-3 दिनों से जब ये घटना घटी, अभी मुझे समझा रहे थे खेत में इमझरा में, 4 किलोमीटर की चौड़ाई, 80 किलोमीटर ये चली है बर्बादी की तूफान, एक कोने से दूसरे कोने तक। शुरू हुआ है ये भोपाल डिवीजन से, गुना से निकल के, चंदेरी से निकल के पिछोर, शिवपुरी, करेरा तक चला गया है, और आज पूरे क्षेत्र में मैं भ्रमण कर रहा हूं। अब प्रश्न ये है,
कि 3 और 4 तारीख को ही हुआ और आज हुआ 6 तारीख। 3 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने केंद्र मंत्रिमंडल की पूरी दिन की बैठक रखी और उसी दिन ये ओलावृष्टि हुई। 2 दिन लगे हैं मुझे आने के लिए, उसके पीछे 2 कारण हैं, क्योंकि आपके मेरे बीच में कुछ छुपा हुआ नहीं होता। एक, जो मैंने कहा, मेरी मां की तबीयत, और दूसरी बात, मैं आपके बीच में आऊंगा। मैंने सदैव कहा है, आपके खुशी के घड़ी में या आपके दुख के घड़ी में मैं कभी भी खाली हाथ नहीं आऊंगा। आज इस दुख की घड़ी में हमारे समस्त अन्नदाताओं के बीच आकर जो उनके दिल पर गुजरा है, मेहनत मशक्कत करके मेरा अन्नदाता अपने फसल को उगाता है और जब प्राकृतिक प्रकोप इस रूप में पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है उनकी मेहनत मशक्कत, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का संकल्प है, अगर इस पृथ्वी पर किसी का हक है तो हमारे गरीब, किसान, महिला और युवा, इन चारों का पहला हक बनता है और उसी का एक स्वरूप हमने आज देखा है, जहां मोहन यादव जी के प्रशासन ने और मोहन यादव जी की सरकार ने 48 घंटे के अंदर आकलन भी करके, सर्वे भी करके और पूर्ण रूप से स्वीकृति पत्र राशि की एक एक किसान के हाथ में थमा दिया। आप लोगों ने मुझसे गुना सर्किट हाउस में अभी पूछा था कि कितने दिनों में राशि मिलेगी और जान पूछ करके मैंने आपको कुछ नहीं बताया, क्योंकि कुछ चीज मैं कार्यक्रम के लिए रखना चाहता हूं। शायद आपके मीडिया के प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आपका जो लंबा इतिहास रहा है, शायद पिछले दशकों में आपने इतनी तीव्र गति की कार्रवाई न देखी हो जो आज आपको देखने को मिल रहा है, और इसका श्रेय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को और उनकी शासन को जाता है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं और एक एक देश की जनता की खुशहाली के लिए संकल्पित है। धनवदा पुलिस ने पकड़ा गौवंश से भरा ट्रक, 4 आरोपी गिरफ्तार। जिले की धनवदा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र से अवैध रूप से ले जाए जा रहे गौवंश से भरा कंटेनर पकड़ा है। इस दौरान पुलिस ने 31 नग गौवंश आजाद कराए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत शाम को जिले के धनवदा थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अवैध गौवंश से भरा आयशर कंपनी का एक कंटेनर क्रमांक RG11GS7629 तरफ से इंदौर की ओर जा रहा था। अवैध पशु परिवहन की सूचना के मिलते ही पुलिस एक टीम तत्काल रूठी आई हाईवे पर गौरा की पुलिया पर पहुंची और उक्त कंटेनर के आने का इंतजार किया, जहां कुछ ही देर बाद गुना तरफ से उक्त कंटेनर आता दिखा। लेकिन कंटेनर के चालक द्वारा पुलिस को देखते ही पुलिस से कुछ दूर रहते ही कंटेनर को रोक दिया और कंटेनर से एक बाद एक कुल 4 लोग नीचे उतरे, जिन्होंने दौड़ लगाकर वहां से भागना चाहा, लेकिन पुलिस फोर्स द्वारा जिनका पीछा कर बेमुश्किल 4 को दबोच लिया गया। शिव मंदिर परिवार प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में निकाली गई कलश यात्रा। गुना जिले में आज सुबह वार्ड नंबर 20 साई टाउनशिप कॉलोनी में स्थित सिद्ध गौड़ बाबा मंदिर में शिव मंदिर परिवार प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष में कॉलोनी वासियों द्वारा कलश यात्रा ढोल धमाकों के साथ उमंग एवं हर्षोल्लास के साथ निकाली गई, जो कॉलोनी की विभिन्न जगहों से निकलकर बजरंगगढ़ बाईपास रोड के पास स्थित श्री दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर तक गई, जिसमें कॉलोनी की महिलाओं द्वारा जगह जगह नृत्य भी किया गया एवं कलश यात्रा की वापसी श्री दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर से शुरू होकर कॉलोनी में स्थित सिद्ध गौड़ बाबा मंदिर पर समाप्त हुआ। इस कलश यात्रा में सभी महिलाएं लाल कलर की साड़ियां पहनी हुई थी, जो उनका ड्रेस कोड था। पहले इस कॉलोनी के मंदिर में शिव जी का पूरा परिवार विराजित नहीं था, जो अब पूरा होगा। इस मौके पर कॉलोनी के सभी पुरुष, महिलाएं एवं बच्चे मौजूद रहे।
सहायताओं से भगवान के परिवार की स्थापना हो रही है। श्री गोर बाबा का मंदिर है, माँ श्री शिव भगवान की मंदिर स्थापना हो रही है। जय श्री धन्यवाद आपका। ऐसे अभ्यर्थी जो नीट की परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं परंतु उनके आधार में समस्या के कारण आवेदन नहीं कर पा रही हैं, वही अपनी समस्या अपनी पंजीयन संख्या के साथ कार्यालय कलेक्टर कक्ष पर कर सकते हैं संपर्क। जिला प्रबंधन जिला इकाई गवर्नेंस गौतम श्रीवास्तव ने बताया कि ऐसे अभ्यर्थी जो नीट की परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं परंतु उनके आधार में समस्या के कारण आवेदन नहीं कर पा रही है, वे अपनी समस्या अपनी पंजीयन संख्या के साथ कार्यालय कलेक्टर कक्ष क्रमांक 201 प्रथम तल गुना या दूरभाष क्रमांक 07542250702 पर संपर्क या ईमेल आईडी degmgun@mp.gov.in पर दिनांक 7 मार्च 2024 को दोपहर 12 बजे तक प्रेषित कर सकते हैं। शुरू हुई कक्षा 5 व 8 की बोर्ड परीक्षा, बच्चों ने हल किया हिंदी का पर्चा। संपूर्ण मध्य प्रदेश में कक्षा 5 एवं 8 की बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हो गई है। उसी क्रम में म्याना में भी कक्षा 5 एवं कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हुई, जिसमें कक्षा 8 में कुल 334 छात्र छात्राओं में से 316 छात्र छात्राएं उपस्थित रहे व 18 छात्र छात्राएं अनुपस्थित रहे तथा कक्षा 5 में कुल 308 छात्र छात्राओं में से 291 छात्र छात्रा उपस्थित रहे एवं 17 बच्चे अनुपस्थित रहे। कुल परीक्षा केंद्र पर कुल 642 छात्र छात्राओं में से 607 छात्र छात्राओं ने आज हिंदी का पर्चा हल किया और कुल 35 छात्र छात्रा अनुपस्थित रहे। म्याना परीक्षा केंद्र अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह पाल ने बताया कि आज हिंदी का पेपर बच्चों द्वारा हल किया गया। परीक्षा में म्याना के शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के छात्र छात्रा बैठे, परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हल हुई। म्याना से मोहन शर्मा की रिपोर्ट। जी, आज परीक्षा केंद्र शासकीय उमावी म्याना में ये दर्ज बच्चे कक्षा 5 में 308 हैं और कक्षा 8 में 334 बच्चे हैं, जिसमें से कक्षा 5 में उपस्थित 291 रहे और कक्षा 8 में 316 उपस्थित रहे और कक्षा 5 में और 8 मिला कुल 35 बच्चे अनुपस्थित रहे। परीक्षा शांतिपूर्वक हुई सर? परीक्षा पूरी तरह से शांतिपूर्वक रही। किसी प्रकार कोई नकल प्रकरण? किसी प्रकार कोई नकल प्रकरण नहीं रहा। आपका परिचय सर? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह पाल, केंद्र अध्यक्ष। केंद्र अध्यक्ष, धन्यवाद सर। कृषि एवं सहकारिता सम्मेलन का किया गया आयोजन। जिले के स्वयं सहायता समूह किसान सम्मान निधि फसल बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से की गई राशि अंतरित। कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला गुना प्रथम कौशिक के मार्गदर्शन में आज शक्ति वंदन संपर्क अभियान के समापन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कोलकाता पश्चिम बंगाल से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से वर्चुअल संबोधन कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा कृषि एवं सहकारिता सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन स्थानीय शुभ विदाई गार्डन में किया गया। आयोजन करते हुए वीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं सहायता समूह की बहनों को उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए एवं देश विदेश के विकास में सहयोग हेतु बधाई ज्ञापित करते हुए समूह महिलाओं को निकट भविष्य में 3 करोड़ लखपति दीदी तैयार करने हेतु अग्रिम शुभकामनाएं दी गई हैं।